नमस्ते, मेरी कुकिंग चैनल हैप्पी कुकिंग नाइल में आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए जो डिश मैं लाई हूँ उसका नाम है दही आलू। बहुत ही इजीली और बहुत कम तेल में, बहुत कम समय में बनने वाली ये चीज़। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या। दही आलू के लिए हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स है दही और आलू। हमने यहाँ 6 बड़े चम्मच दही को 1.5 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर के साथ में अच्छे से फेंट के रखा है। 2 बड़े साइज के आलू को बॉईल करके छिलका उतार के हमने इस तरह के पीसेस में काट लिया है। मसालों में हमें चाहिए ब्लैक मस्टर्ड सीड यानी सरसों, साबुत जीरा, छोटी सूखी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर, हींग, कारी पत्ता और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हमने 1 कप पानी यहाँ रखी है जो हम ग्रेवी में ऐड करेंगे और पूरा खाना हम सिर्फ 2 छोटे चम्मच व्हाइट ऑयल में पकाएं। मैंने 2 छोटे चम्मच व्हाइट ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 छोटे चम्मच सरसों। सरसों को क्रैकल होने तक यानी फटने तक के वेट करें। सरसों फटने लगे हैं, अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच जीरा और 4 से 5 आपके टेस्ट के हिसाब से जितना तीखा आपको खाना है तोड़ के छोटी वाली सूखी लाल मिर्च हम यहाँ डाल देंगे। इसके साथ हम डालेंगे यहाँ थोड़ा सा काली पत्ता और इसे हम भूनेंगे। 1 सेकंड तक भूनने के बाद अब हम इसमें आलू को डाल देंगे। आलू डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच सॉल्ट और 1 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर और इसे हम भूनेंगे मसालों को। 2 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच करीब हींग, इसे भी आलू के साथ मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे दही को। इसको डालने के बाद हम 2 मिनट तक इसे पकाएंगे इसका कच्चापन जाने के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी दही में थोड़ा कॉर्नफ्लावर मिला के रखा था तो ये फटेगा नहीं। 2-3 मिनट तक मीडियम आग में पकने के बाद आप देख सकते हैं कि ग्रेवी सूख चुकी है। अगर आपको इसी तरह का कंसिस्टेंसी में पसंद है तो आप इसी तरह से इसको खा सकते हैं। हम लेकिन इसमें थोड़ा सा तरी चाहते हैं, हम इसे 1/2 कप पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे मिक्स करके 1 बार उबल आने तक वेट करेंगे। ग्रेवी उबल चुकी है, अब इसे फिनिशिंग देने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर और साथ में हम डालेंगे 1/2 चम्मच का 1 चम्मच हरा धनिया। इसे मिला लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। ग्रेवी हमारी बन चुकी है। इस स्टेज पे इसको गैस से उतारने से पहले एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा अगर सॉल्ट सही है या नहीं। अगर आपको नमक कम लगता है तो इस स्टेज पे आप थोड़ा नमक ऐड करके उसे एडजस्ट कर सकते हैं। लीजिए, तैयार है हमारा दही आलू। आपने कितनी जल्दी बन जाती है ये दही आलू, फटाफट बनती भी है, बिल्कुल 2 छोटे चम्मच ऑयल में बन जाती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है ये। इसे आप चावल या रोटी दोनों के साथ परोस सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए YouTube का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। जो वीडियो के नीचे राइट साइड पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, बस उसे क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करने के तुरंत बाद उसी के राइट साइड में आपको बेल का बटन भी दिखेगा यानी कि घंटे का बटन। उस घंटे को बटन को भी जरा क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अपडेट हमेशा मिलता रहेगा जब भी मैं अपने नए वीडियोज़ को अपलोड करूँगी। तो इस बातचीत के साथ आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में नए रेसिपी के साथ फिर आती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हैप्पी कुकिंग।